आज के सेशन से पहले हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इस प्रकार से अन्य ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, अन्य बहुत सारे शासन व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर जो शासन व्यवस्था बच जाता है वह अन्य जनजाति शासन व्यवस्था को लेकर के हम एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाए हैं, आप इसको देख लेंगे तो झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था जो संबंधित जो सवाल होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू सवाल आपके सामने कुछ है, 30 प्रश्न टोटल इसमें से है। इसका दो पार्ट में हमने वीडियो बनाया है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो यह वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं यह इसका पार्ट वन है और इसका एक पार्ट टू वीडियो भी है, जिसमें से दो वीडियो मिला करके पूरा जो अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं थी वो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप इसको जब देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सवाल है कि लोहरा या लोहार जनजातीय की शासन व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है दिया गया वह सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया कि यह जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। ये बात सत्य है कि यह जनजाति जो लोहरा या लोहार जनजाति होती है इनकी कोई संगठित एक व्यवस्था नहीं है, संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। इस जनजाति में जातिगत समस्याओं के निवारण हेतु एक जाति पंचायत का इसमें व्यवस्था किया गया है, यह भी ऑप्शन यहाँ पर राइट दिया गया है। इस जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी राइट है। इसका मतलब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं वह सत्य है। हम दूसरे सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। दूसरे सवाल की ओर जाने से पहले आपके लिए जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट की ओर आप ध्यान देंगे। दूसरा सवाल आपके सामने दिया गया है, लेकिन उससे पहले स्पेशल अनाउंसमेंट जो आपके लिए है वह ये है कि जो आप स्टूडेंट इलाइट ऐप पर जहां पर यह वीडियो आप देख रहे हैं, जहां से आप पढ़ पा रहे हैं, स्टूडेंट इलाइट यूट्यूब चैनल पर 8:30 बजे जब आप स्टूडेंट इलाइट यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात यानी कि पीएम में यहां पर हम लाइव आते हैं और लाइव आकर के आपका टेस्ट लेते हैं। झारखंड जीके का जो तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के आने वाले एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी झारखंड में झारखंड सीजीएल और एक्साइज कॉन्स्टेबल, झारखंड सीजीएल है ना, झारखंड सीजीएल और एक झारखंड का एक्साइज कॉन्स्टेबल, ये दो वैकेंसी भी झारखंड सरकार ने दिया है और ये दोनों वैकेंसी का फॉर्म जो है वह फिलअप हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो इसके लिए भी, ये दोनों के लिए भी नोटिफिकेशन का वीडियो हम बना दिए हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है, वहां पर आप जेएससी सीजीएल भी लिखेंगे या तो फिर एक्साइज कॉन्स्टेबल भी लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे तो पूरा डिटेल वहां पर आपको आ जाएगा। या दोनों का अलग अलग वीडियो में बना दिया हूं, और दोनों से रिलेटेड जो झारखंड जीके का जो सवाल होंगे, झारखंड जीके का जो सवाल आएंगे आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी को लेकर के यहाँ पर मॉक टेस्ट का आयोजन हो रहा है। और यह मॉक टेस्ट का आयोजन डेली हो रहा है, रोज 8:30 बजे 40 क्वेश्चन का, कितना सवाल का, तो 40 सवाल, जो 40 सवाल आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे वह एग्जाम बेस्ड सवाल होंगे, 40 सवाल जिसमें आपका जो है करंट अफेयर्स भी उसमें मिला हुआ रहेगा। और इस प्रकार से डेली मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने तैयारी को मजबूत करें। आइए हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं, जो आपका अन्य जाति शासन व्यवस्था में आप पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो यह बात आप याद रखेंगे, भूमिज जनजाति का जो जाति पंचायत का जो मुखिया होता है वह प्रधान कहलाता है, इस पद को प्रधान के नाम से जानते हैं, यह बात आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वह पद को क्या कहते हैं, तो वह पद जो आपका है वह प्रधान कहलाता है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल अगला आपके सामने है, सवाल है, भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन को यहां पर खोजने कह रहा है। तो इनकी शासन व्यवस्था में पंचायत मुखिया पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल वंशानुगत होता है, पैतृक संपत्ति बंटवारा भाइयों के बीच बराबर किया जाता है, ये भी सही है, और यदि भाई नहीं हो तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है, ये भी सही है। इस जनजाति में सगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है, जी नहीं, यहाँ पर सगोत्री विवाह का मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से यह जो कथन दिया गया है वह कथन आपका यह सत्य हो जाएगा।
अगला सवाल है, महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सजा दी जाती है? तो उसमें बिटलाहा सजा दिया जाता है, जो सामूहिक भोज का सजा होता है। इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा, सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है। चलिए तो यहाँ पर चार नंबर सवाल का जवाब आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि महली जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से यहाँ पर देखिए जो कथन दिए गए हैं, इन जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, ये भी सही है। इसमें आपसी वादों का निपटारा हेतु गांव स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है, ये भी सही है। इसलिए दोनों ऑप्शन इसमें जो है दिया हुआ वह आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो प्रधान पद होता है वह पद मांझी कहलाता है। इस बात को आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता है? तो माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता के लिए यहाँ पर गोड़ाइत और दीवान दो पद है, इसलिए यहाँ पर जो दोनों पद सही है, यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त दोनों पद जो यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर लिखा गया जो दोनों पद है वह दोनों पद इसके लिए सही आंसर होंगे। अगला सवाल की ओर हम आते हैं। सवाल है, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है वह पद, मुखिया पद जो है सरदार कहलाता है, यह बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। सवाल अगला है कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़िया शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का जो पद होता है मेरे भाई, वह पद मांझी कहलाता है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें ग्राम में जो विवाद होता है, ग्रामीण विवाद होता है, उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका निपटारा जो इसका प्रधान पद होता है, मांझी जो होता है, वही वहां पर क्या करता है, गांव के झगड़ों का निपटारा करता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब यह हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए भी यहाँ पर जो है वह मांझी पद को रखा गया है। मांझी पद जो है वही यहाँ पर क्या करता है, धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करता है। चलिए आगे बढ़े तो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों को उसकी सहायता कौन करता है? तो इसके लिए यहाँ पर गोड़ाइत इसका सहायता करता है सौरिया पहाड़िया में। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था होती है? तो सौरिया पहाड़िया शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर के एक नायक की व्यवस्था की जाती है। सवाल है सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था हो जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 70 से 80 गांव, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन बी का आएगा और ये ऑप्शन सी का आएगा, और यह जो है 70 से 80 गांव इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर जो दिया गया है वह है, सवाल है सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर ग्रामीण विवादों का जो निपटारा होता है वह नायक करता है और सरदार भी करता है, इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, करमाली जनजाति की जाति पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो करमाली जनजाति की जात जो प्रधान होता है वह प्रधान पद जो है आपका मालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन गलत है? तो इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, यह कथन तो सत्य है, और स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यक्तिगत राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी सही है, और इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, ये तो सही है, अभी बताए हैं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं वह सत्य है, कोई भी कथन यहाँ पर असत्य नहीं पाया गया है। अगला सवाल की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सवाल आपके सामने है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर
पाई जाने वाली जो पंचायत होती है उस पंचायत को क्या कहा जाता है। तो परगना स्तर पर जो करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में जो परगना स्तर की जो पंचायत होती है वह पंचायत आपका सतगवैया कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका सतगवैया कहलाता है। सवाल है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो वह भी आपका सतगवैया के द्वारा किया जाता है। इसका जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सतगवैया हो जाएगा। अगला सवाल है, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 20 से 22 पंचायत को जो कहा जाता है वह कहा जाता है बाईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20 से 22 पंचायत मिलाकर के बनता है, इसलिए इसको बाईसी बोला जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोड़ाइत करता है। अगला सवाल है कि परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो परहिया जनजाति की जो होती है उसमें भैयारी और जातिगढ़ दोनों, इसका जवाब हो जाएगा दोनों। अगला सवाल को जब हम बढ़ते हैं तो पाते हैं सवाल यहाँ पर सामने है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया परहिया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में होता है उसे महतो पद के नाम से जाना जाता है, जो इसका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? महतो, इसका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक कौन कहलाता है? तो महतो का सहायक कहतो या खतो ये नाम से जाना जाता है, यह इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 8 से 10 गांव मिलाकर के जो अंतर ग्रामीण पंचायत मिलता है उसको कारा भैयारी कहा जाता है, यह इसका जवाब हो जाएगा। सवाल है कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वह आपका बैगा हो जाएगा, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो होता है वह मुखिया कहलाता है, यह इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? तो कोरवा जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा जो होता है वो बड़ा मुखिया के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? तो मैंने आपको बताया था भात भीतर प्रथा जो है जो समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में लाया जाता है उसी को भात भीतर प्रथा कहा जाता है, यह बात आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है, सूर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था महतो बेगा पुजार तथा गुड़ाइत प्रमुख अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। सवाल है, सूर पंचायत में गांव के सभी व्यस्त पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। इस व्यवस्था में सभी वादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है, यानी कि जो सभी कथन दिए गए हैं वो सत्य है। इस प्रकार से अन्य जाति संशासन अन्य जो जनजातीय शासन व्यवस्था आपको हम पढ़ा रहे थे उसका पार्ट वन वीडियो दो पार्ट में मैंने बनाया है, तो पार्ट वन वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रकार से समाप्त करते ही बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कि आप 8:30 बजे रात में एकदम बिल्कुल इंतजार करके हमसे जुड़े। यूट्यूब जैसे खोलेंगे वहां पर लाइव रहेगा, फ्री रहेगा, कोई चार्जेबल नहीं है इसके लिए। और अब बिल्कुल आप एग्जाम दें, यहाँ पर डेली एग्जाम दें, जब तक झारखंड सीजीएल आपका एग्जाम नहीं ले लेता है झारखंड सरकार, तब तक एग्जाम देते रहिए और अपने आप में सुधार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।